Reaction TV. Salaam alaikum, bhai. Main Shahabuddin Beg, chacha. Main ye audio jo bana raha hu, kuch thoda lamba ho jayega. Iske liye maafi chahta hu. Main isliye bana raha hu ye video, audio. सहबाज यूनुस और मलवारी, मैंने मलवारी इसलिए कहा, सभी कह रहे हैं कि मौलाना, ये मौलाना नहीं है ना कोई आलिम है। मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि ये शख्स है, अगर ये मौलाना होता तो ये जो फितने फैला रहा है तो ये नहीं फैलाता। ये केरला का मलवारी, इसे क्या कहूँ। आपको एक नसीहत देता हूँ, मलवारी जो सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी मत बोला करो। और अगर आप मौलाना हो तो भाई मेरे, जितने मुसलमान हैं जो मेरा ऑडियो सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा, इसके पीछे अगर नमाज पढ़ोगे ना तो आपकी नमाज भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनहगार है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये गलत बयान कर रहा है, गलत बोल रहा है, समझ रहे ना मेरी बात को। तो सारों की नमाज ख़राब। कहते हैं कि एक ब्याज खाओ, एक झूठ बोलने वाला, एक किसी का हक मारने वाला, उसके पीछे नमाज जायज नहीं, नमाज होती ही नहीं, तो इसके पीछे नमाज पढ़ना बेकार है। और मलवारी, तू नमाज पढ़ाना छोड़ा दिया आज से, नमाज पढ़ना ही नहीं तू, ना कोई पीछे खड़ा रहे उनको बोल देना भाई मेरे पीछे मत पढ़ो, ठीक ठीक है। अब हम आते हैं शैतान के पास, ये इब्लिश, ये उमरा करके आए। अब ये उमरा करके आए या कोई हीरा गोल्ड का मेंबर, हीरा गोल्ड का बोलते ना परिवार, किसी के हाथ लग गया होगा, किसी ने बाल छील दिया होगा इसके, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उमरा करने गया हो, या ये हो सकता है कि कोई बाल पटक के इसके बाल कोई छीन लिया हो, इसीलिए इसके सर के बाल गायब है, ठीक है। ये एक ही कैसेट बजा रहा है, और नरगिस अपा, इनके पास और कोई कैसेट नहीं रह गई, वही काटा अटक गया है, शहबाज के काटा जाके वही अटका है। अब कोई कैसेट उसके पीछे आगे है ही नहीं, ये लोग क्या करेंगे। और जिन लोगों को इन लोगों ने फंसाया है, वो लोग, मुझे अंदर की खबर मिली है कि शहबाज के पीछे जाके बोल रहे हैं, भाई हमारा जो कंप्लेंट है वापस करा ले, जो पेपर तू रखा है वापस दे दे। पूछो गधे से, वो पढ़े लिखे शैतान से, कि मेरी जबान का कोई, कहता है ना वो, मेरी जबान का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अब जो कंप्लेंट किए हैं ना, उनका ही मुकाबला तू कर ले, समझ रहा है। अब भागम भाग, ठीक है। अब आया सामने ये पढ़ा लिखा गधा, मैं किसे कह रहा हूं, इनुस। इनुस, तूने रीजन बताया, मेरे पास 18 है। अरे एक बिजनेसमैन किसी को पैसा बताएगी, तू बताएगा तू क्या करेगा बिजनेस में, तू चरस गांजा बेचने वाला, सुट्टा पीने वाला, तू क्या करेगा बिजनेस। और तू उसे कह रहा है भाजी बेचने वाली, वो डॉक्टर नहीं है। अबे डॉक्टर किसे कह रहे, तू पढ़ा लिखा गधा, इसीलिए कहता हूँ मैं, जो उससे ज्यादा पढ़ लेता है, समझ गया ना, उसको पढ़े लिखे लोग डॉक्टर ही बोलते हैं, वो डॉक्टर हो या ना हो, समझ रहा है, तो खुद गधे पढ़ा लिखा है, समझ गया है। और जो तुझे पेपर दिखाया ना, इससे जाहिर हो गया
कि तेरे घर के अंदर हीरागुर से ताल्लुकात है, यानी कि तेरी औरत का, हमारी भाभी का, है ना भाई? इससे कोई वाकई नहीं कि तेरे पास कमरेट कि मैं मेंबर हूँ, मैं हीरा गोल्ड का मेरा मेरा पैसा लगा है, तो बेशक तेरे घर का पैसा लगा है, तेरी औरत का, उसके लिए भी तूने बहुत झगड़े किया कि क्यों रखी पैसा, क्यों दी, तेरी औरत भी झगड़े करी तेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, रीजन ये है जो तूने कहा है कि 8 में से ऐसे ऐसे सवाल है, पैसा दे नहीं रही है, पैसा ये दे रही है, वो भाजी वाली है, तो तू क्या है? और तेरा सदर उरेशी 5,000 के भाड़े के घर के रूम में रहने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है ना, उसकी नसीब, उसने बनाया, वैसे आपा बनाई अपनी मेहनत से, सबका पैसा ली है तो सबको पैसा दी भी है वो। हाँ, आज जो कुछ भी तकलीफ में लोग हैं वो तुम लोग के बदौलत है, ये तुम लोग मानते हो ना? तुम लोग खुद आपा को फंसाने में तुम लोग का हाथ है, और तू खुद ही बोला था ना बे कि हम आधा जंग हार चुके हैं, बोला था ना तू तू ही तो कहा था कि हम आधा जंग हार चुके हैं, अब आपा बाहर आ जाएगी। हाँ, अब तू क्या बोल रहा है? पैसा हो तो दे दे, तो तेरे को पैसा दिखाएगी। हाँ, तेरे को पैसा दिखाएगी, अरे उसको जब देना रहेगा कोर्ट पे दे लेगी। हाँ, आज तक कोई पुलिस ना कोई सीएडी ना कोई कुछ एक चीज नहीं पकड़ सके आपा की, तुम लोग पकड़ाए हो, तुम लोग ने ये गलती की होगी जो जिन लोगों ने कंप्लेंट करवाए हो ना बेटा, तुम लोग उससे बचवाओ, समझ रहा है? और एक बात तूने कहा ना, मेरा सदर सदर मत बोल, शैतान बोल, शैतान इबलीज बोल उसको, तो अपने आप को बोलता है, उसको बोलता है सदर, इन सहबाज को तू सदर बोलता है, हो सकता तेरे लिए सदर हो लेकिन हम लोग के लिए वो शैतान है। आज जो मुसलमान बच्चे, जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान तकलीफ में जो बाहर आए रोड पे आके जो कह रहे हैं ना, ये तेरे सदर की, तेरे शैतान की और तुम लोग की देन है जो बाहर आए। और तू ले रहा है ना कि सलमान मिर्जा पैसा ले लिया है, सबको 5,000-5,000 हाथ में आ रहा है। अबे गधे, पढ़े लिखे गधे, ये अच्छी तरह से तू सोच ले, कोई किसी ने पैसा लिया नहीं है, अपनी मर्जी से खर्चा कर रहे हैं। मुसलमानों का जमीर अभी भी जिंदा है, ईमान जिंदा है, किसी के साथ तकलीफ होते हुए नहीं देख सकते। ये तुम जैसे कुछ चुने गिने गधे लोग, शैतान लोग ये खेल खेल रहे, समझ रहा है? तू जो बोला ना यार, आपा कहीं नहीं जाएगी, बेशक कहीं नहीं जाएगी, तू क्या बोल रहा है? हमको पता है कि आपा कहीं नहीं जाएगी, समझ रहा है? जाएंगे आपा, जिस दिन बाहर आएगी उस दिन तुम लोग कहीं निकल लोगे, समझ रहा है? तुम लोग कहीं भाग लोगे, तुम्हारा सदर, तुम्हारा ओवैसी, और तू अगर हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए तो बेटा तुम जेल में जरूर जाओगे, तुम्हारा सदर हो तुम जेल में दिखोगे आपा जिस दिन बाहर आएगी, समझ रहा तू? कहीं नहीं जाएगी आपा, वो तो पहले से कह रही है कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी, किसी के बाप का नहीं है, समझ गया ना? ये तुम लोग की चाल थी लल्ला, और तुम्हारी चाल को मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, जो तू खेल रहा है ना खेल, उसके हेडमास्टर हम ही लोग थे। तो आपा तूने एक बात बोली है नरगिस आपा, कि औरतों के साथ सामने खड़े मर्दों के साथ मुकाबला, ये मर्द लोग हैं कहाँ? सब साले हिजड़े हैं, किसी दिन किसी मर्द से मुकाबला पड़ गया ना तो पैंट गीली हो जाएगी ये लोग की, समझ गई? जिस दिन मर्द का सामना आमना हुआ उस दिन इनकी जो है ना, ये सदर जिसको बोल रहा है शैतान, और ये पढ़ा लिखा गधा, पैंट गीली हो जाएगी ये लोग की, इनको कहाँ बोल रही है? ये औरतों से ही लड़ सकता है, एक औरत जात से, समझ गया ना? और तूने जो पॉलिटिक्स की बात किया ना,
क्यों लड़ी? क्यों? तेरे बाप का पैसा खर्चा हो रहा था क्या भाई? पैसा उसके पास था, वो लड़ी? हाँ, तू कौन होता है पूछने वाला? हाँ, बहुत पैसा है उसके पास, और इंशाल्लाह हमारा पैसा आपको मिलेगा। समझ गया ना? ज्यादा बोला मत कर कि हमारे 18 हमारे पास रिजल्ट है। अबे 18 रिजल्ट नहीं, तुम लोग अब कुछ भी कर लो, 18 कर लो या 18 का उसका डबल कर लो। गलतियां तुम लोग ने की है, और कुछ इन्वेस्टर लोग बेचारे तुम लोग के गलतियों में आके उन लोग ने कंप्लेंट किया। और तू बोलता है कि 3 दिन में ना, 3 महीने बाद तो पैसा भेजी थी उसने, तेरे पर्सनली भेजूं क्या व्हाट्सएप पे? शहबाज इनुस, तेरे पर्सनली व्हाट्सएप अगर हो, नंबर हो तो भेज, मैं भेजता हूँ। मेरे दोस्तों का पैसा आया है, रिसीप दिखा देता हूँ तेरे को। तू क्या सोच के बोल रहा है कि लोगों का पैसा नहीं दी, बॉक्सरों को खड़ा कर दी? अबे तुम लोग की वजह से वो खड़ा करी थी, तुम लोग जो 100-200 जाए थे ना इनके गेट पे। समझ गया ना? ये सब चाल थी, अब बारी आ गई है तुम लोग की। आली आली अंची बारी आली, अब आपा की बारी आने वाली है बेटा। निकल लो पतली गली, निकल लो, नहीं तो मालूम पड़ा कि आ गए लपटे में। और एक बात और बोल रहा हूँ, आपा कहीं नहीं जाएगी, आपा यहीं रहेगी और तुम लोग की भजोड़ेगी पुलिस के जरिए, ये लिख के रख लो। समझा ना गधे? और ये मलवारी ज्यादा बोल मत, मैं भी बेंगलोर का रहने वाला हूँ, बोलना आता नहीं। और दुबई कुवैत में बैठ के जो तुम खेल खेल रहा है ना साले, तुम लोग को सबको पैसा मिल रहा है उड़ेसी से, ये बोलो। तुम लोग दल्ले हो ये बोलो, दलाली कर रहे हो ये बोलो। तुम लोग सब, तेरे को मिल रहा है, मलवारी को मिल रहा है, शहबाज को मिल रहा है, जो जो बक रहे हैं सबको उड़ेसी पैसा दे रहा है। समझ गया? हम लोग मेहनत कमाते हैं और हमारे मेहनत का पैसा है, बेशक अल्लाह हम सबको देगा और हक का इंसाफ करेगा, और बेशक आपा बाहर होगी। हैदराबाद में तुम लोग तो बोले थे भाई ना सफाइयों में जाएगा, हाँ ना सफाइयों में जाएगा, ना उसको बेल मिलेगी। मिल गई, क्या कर लिए भाई तुम लोग? बड़ा कोर्ट को जज को खरीदने की कोशिश की है, बड़ा आगे पीछे के, जितना लंबा ले रहे हो तुम लोग की कब्र खुद रही है, याद रखना। तुम लोग सब मुसलमान लोग खामोश नहीं बैठे, सबर कर रहे। समझ गया? क्या क्या 1000-1500 लोग एक कंप्लेंट करा के तुम लोग कंपनी को डैमेज करना चाह रहे हो? कोई नहीं डैमेज कर सकता जब तक अल्लाह हमारे साथ है, उस औरत के साथ हो। समझा गधा कहीं का, बड़ा पढ़ा लिखा निकलता है बे। हाँ फिर से कह रहा हूं, आपा कहीं नहीं जाएगी, आपा यहीं रहेगी। अब तुम लोग जाओगे बाबू, या तुम लोग अगर यहां से नहीं निकले तो जरूर जेल में दिखोगे। और मेरे भाई लोग, मैं इन्वेस्टर लोगों से, अपने हमारे परिवारों से सबको मैं धीरे 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 दिल से मैं कहता हूं, आप लोग सब पैनिक मत होइए ना, ये गधे लोग के, ये शैतान लोग के वीडियो देखिए, ये चूतिए लोग हैं, एक ही कैसेट बजाते रहते हैं। अभी यही गधा उठ के बोला था कि हम केस हार गए, हम जी आपा जीत गए, हम लोग हार गए। समझ रहे ना? इनकी जैसे जैसे आपा का वक्त सामने आ रहा, बाहर निकलेगा, तो इनकी ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं लोग। जैसे बोलते ना, दिए में तेल नहीं होता तो फड़फड़ाता है लास्ट लास्ट टाइम पे, ये हाल इन लोग का हो गया है। आप लोग पैनिक मत होइए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपा बाहर होगी। आप लोग जैसे नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग रहे हो, वैसे दुआ मांगिए, देखना इंशाल्लाह एक दिन आपा हम लोग के साथ होगी, और हम सबको पैसे भी देंगी इंशाल्लाह। हमारा हक हमको मिल जाएगा, हमारे मेहनत का पैसा हमको मिलेगा। फिर इनको हम एक वीडियो बना के बोलेंगे, अब बोल बेटा तुम क्या करोगे? आपा कहीं नहीं जाएगी लल्लू, आपा जरूर यहीं रहेगी और सबके साथ रहेगी। समझे गधे? चलो अल्लाह हाफिज़।